तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और आज हम लोग जा रहे हैं गाड़ी की थर्ड सर्विस कराने। तो आज हमें गाड़ी में बहुत सारा काम कराना है। गाड़ी की पहले तो सर्विस होगी, उसके बाद ये गियर लीवर चेक करना होगा। थोड़ा हिल रहा है और गियर थोड़ा ऊपर जा रहा है। और इसका हेडलाइट चेक कराना है, जो कि थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है, हिल रहा है बार बार, तो नाइट में प्रॉब्लम करता है। हिल रहा है और इसका लाइट पूरा ऐसे नीचे आ जाता है, तो ज़्यादा दूर विजिबल नहीं हो पाता है। और इसका ब्रेक ऑयल एयर आ रहा है यहाँ पे, इस पर ब्रेक ऑयल भी चेक कराना है थोड़ा सा। बस इतना ही काम है शायद, या फिर वहाँ जाकर और कुछ पता चलता है तो और कुछ काम कराना है। फ़िलहाल इतना काम मेरे को याद है जो कि कराना है। तो चलो चलते हैं शोरूम। काट रहा है भाई इंटीग्रेटर, राइट के देखिए, लेफ्ट क्यों काट रहा है ये। तो फिलहाल चलते हैं शोरूम, वहाँ पे बहुत सारा काम कराना और बहुत टाइम लगने वाला है। अभी टाइम हो रहा है 11:22 हो चुके हैं, और वैसे वैसे बहुत टाइम हो जाएगा हम लोगों को। उम्मीद है कि मेरा काम लंच तक हो जाए। अगर लंच के टाइम तक अगर मेरा काम नहीं हो तो शुरू में बहुत टाइम मेरे को रुकना पड़ जाएगा, 1 घंटा बेवजह लंच होते तक। तो मैं ऑलरेडी थोड़ा लेट हूँ, कुछ थोड़ा जल्दी जाना था ताकि मेरा काम जल्दी से हो जाता हाफ टाइम तक। फिलहाल चलते देखते कितना टाइम लगता है वहाँ पे, जल्दी हो जाए उम्मीद है। यहाँ से जाना है अपन को लेफ्ट। आगे से जाने अपन को राइट सिग्नल से। ओ दीदी क्या बात है, सिग्नल तोड़ के घुस गई। तो फाइनली अपन पहुंचने वाले, बस थोड़े दूर बचा। सामने ही है शोरूम। तो वो रहा शोरूम, अपन को डिवाइडर से कट के उस पार जाना होगा। तो फाइनली अपन पहुंच गए शोरूम, अब देखते हैं अंदर में टाइम लगता है। फिलहाल चलते हैं अंदर, रास्ता तो जाम पड़ा है ओपन है। यहाँ पे गाड़ी की डिलीवरी हो रही है, नहीं सर्विस ना था शायद, गाड़ी का नंबर प्लेट आ गया। कुछ जाओ भैया, थोड़ा साइड दो हमने को,
गाड़ी का सर्विस कराना है। कौन सर्विस? हाँ थर्ड सर्विस। बुक? अच्छा हाँ बैग सर्विस बुक याद नहीं था लेकिन बैग में ही है। क्या देख रहे हो अंकल? क्या चाहिए अंकल को? बहुत टाइम हो गया बस गाड़ी को चेक करी इधर उधर, इतना सारा मॉडिफिकेशन हुआ गाड़ी में ना, बस वही देखे जा रहे हैं अंकल क्या है करके। तो फाइनली गाइस हमारा सर्विस का काम पूरा हुआ और अभी बच चुके हैं 4, अपन 11:30 को आया था और अपने को इतना टाइम लग गया, गाड़ी में बहुत सारा काम था तो टाइम भी उतना लगा है। तो चलो अब चलते घर। भाई फ्री सर्विस में गाड़ी में 2000 का खर्चा आ गया। फ्री सर्विस में लोग लेबर चार्ज लेते ही है अगर कुछ पार्ट्स चेंज करते हो, जैसे सामने किसका ब्रेक पैड चेंज किया उन्होंने तो उसका लेबर चार्ज उन्होंने जोड़ दिया, क्योंकि फ्री सर्विस में चीज़ तो नहीं करना चाहिए था उनको कि फ्री सर्विस है तो कम से कम लेबर चार्ज ना ले कुछ पार्ट्स लगा रहे तो, लेकिन रिप्लेसमेंट का चार्ज लगेगा बोल के उन्होंने जोड़ दिया। तो फिलहाल अपनी गाड़ी का इंजन फिल्टर सॉरी ऑयल फिल्टर एयर फिल्टर एंड ब्रेक पैड चेंज हुआ है, इंजन ऑयल चेंज हुआ है, बस इतना ही हुआ है और इसमें करीब 2000 का खर्चा आ गया, 1940 रुपये का खर्चा आया तो मेरे को थोड़ा कॉस्टली लगा। तो फिलहाल जैसा भी अपनी गाड़ी का काम हो चुका है और गाड़ी अपनी चमक रही है क्योंकि गाड़ी का वॉश हुआ है और पॉलिश भी हुआ है, और इसी के साथ हमारे गाड़ी का फ्री सर्विस ख़त्म हो चुका है। गाड़ी के 4 फ्री सर्विस देने वाले थे लेकिन मेरे को सिर्फ 3 मिला क्योंकि मैं टाइम पे सर्विस नहीं कराया था, मैं थोड़ा लेट से कराया क्योंकि मेरा गाड़ी उतना चला ही नहीं था तो कैसे कराता, इसलिए मेरे को सिर्फ 3 सर्विस फ्री मिला। अब नेक्स्ट सर्विस में मेरे को चार्ज पे करना पड़ेगा सर्विस चार्ज। तो एक्सपीरियंस अच्छा रहा तो चलो चलते घर अभी फ़िलहाल के लिए, तो